सिमी, यही एड्रेस है ना? नाम लिखा है दीप, तो यही होना चाहिए। चली। सिमी, दरवाजा देखना। दीप, दरवाजा तो अंदर से बंद है। आप एक काम करो दी, फिर से डॉक्टर साहब को कॉल लगा। कब से फोन ही तो लगा रही हूँ उन्हें, वो फोन ही नहीं उठा रहे। देख, मैं एक बार कॉल करती हूँ। देख, फिर से सिर्फ रिंग आ रही है। दीप, आप फोन मत काटना, मैं एक मिनट। दी, प्लीज एक बार फिर से ट्राई करो प्लीज। रिंग तो अंदर बज रही है, मतलब डॉक्टर साहब अंदर ही हैं। मैं एक बार नॉक करके आती हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए प्लीज। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। सिमर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दी, डॉक्टर साहब अंदर ही हैं, लेकिन बंद दरवाजे के अंदर कैसे जाएंगे? थी दरवाजा बंद है, खिड़की तो नहीं? चल दी, ये किसी और का घर है। दी, हम ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? सिमर, तू भूल गई है क्या बड़ी माँ ने क्या कहा था? टेढ़ी फितरत का इलाज टेढ़ा दिमाग ही कर सकता है। सो ट्रस्ट मी, ओके? बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये प्यार भी है और जंग भी। तो चल अब जल्दी। बदबू नहीं आ रही है? मुझे कब से बदबू आ रही है? दी, आप प्लीज किसी भी चीज को टच मत करना। क्या था? रीमा और सिमर को भी चैन नहीं है। तुम निकलो वहां से। थैंक्स रीमा जी, सिमर जी, आपने लाश के मिलने पर भागने की बजाय पुलिस को इन्फॉर्म करने का एक बहुत अच्छा काम किया। आपने एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभाया। वी रियली अप्रिशिएट दिस। थैंक यू सो मच। पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सेरो घरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जुलावे। हनुमान जी। सिमर, तुझे याद है माँ क्या कहती थी? कि अगर मन में विश्वास है और होठों पे हनुमान चालीसा, तो फिर हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ दी, जब हम छोटे थे और माँ पापा को बाहर जाना होता था,
हम डर जाते थे तो माँ मैंने क्या बताया था? डर का सामना करो, हिम्मत को जगाओ, डर अपने आप भाग जाएगा। हाँ और देख, आज हमने भी अपनी हिम्मत को जगाया है ना, लेकिन उसी आंखों के सामने से नहीं जा रही थी। सर कह रही, ये किसका कॉल आ रहा है? छोटी माँ। छोटी मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी थी, उन्हें मिलके समझाना होगा कि मैं अब समर के लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। ठीक है अब घर चले, पहले मंदिर चले थे। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अभी तक तो दोनों मुझे बड़ा डरा रहे थे, लेकिन आज ऐसे भीगी बिल्ली बनकर खड़ी हो। कोई लाश वाश देख ली क्या? सिमी चल यहां से। रुको, इस घर की बहू हूं मैं, तो जो भी एक्टिविटीज होती है उस पर नजर रखनी पड़ती है ना। कहां गई थी दोनों? शॉपिंग पे, बड़ी माँ की बर्थडे के लिए। अच्छा शॉपिंग के लिए? शॉपिंग बैग्स कहां है? दोनों के हाथ तो खाली है। शॉपिंग बैग्स बाद में डिलीवर होंगे धामी। अच्छा बाद में डिलीवर होंगे। कुछ बताया क्या कब? कोई स्पेसिफिक डेट टाइम? इस घर की बहू मैं भी हूं धामी, अगर सवाल पूछने पे आओ ना तो वैसे ऐसे सवाल पूछूंगी कि तुम 100 जन्म तक जवाब नहीं दे पाओगी। और रही बात सिमर की, तो वो इस घर की बेटी है, इस घर का दिल है, तो इस पे सवाल उठाने की हिम्मत भी मत करना। Get it? चल सिमी। ओ हेलो, अगर हिम्मत दिखाने पर मैं आ गई तो फिर तो क्या धम? तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन तुम्हारा असली रंग तो मैं बाहर ला कर ही रहूंगी, वो भी जल्दी। सिमी, एक एक करके हमें इसके खिलाफ सारे सबूत मिल रहे हैं। आई कैन जस्ट फील इट, बहुत जल्द हम इस धामी के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। हाँ दी, आपने सही कहा, अब बस हमें हिम्मत और दिमाग से काम लेना होगा। गोपी जी, आपकी यादों के सहारे एक और साल गुजर गया। आपके साथ बिताया एक एक पल, एक एक लम्हा हमारे जहन में आज भी जिंदा है। हमारा मिलना, हमारी शादी, हमारी छोटी सी गृहस्थी का बसना, हमारे 3 खूबसूरत बच्चे, आपका हमें
प्यार से गीता बुलाना, आपकी नजरों का हमें ढूंढना, कदम से कदम मिलाकर, हाथों में हाथ मां दुर्गा बेटा की नींव रखना, हमें सब याद है। और आपका दिया हुआ वो एक दर्द भी याद है, जो आज भी हमारी जिंदगी में नासूर बनकर, हमारी हर खुशी में ग्रहण बनकर हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है। जय मां दुर्गा। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बड़ी माँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सुंदर। थैंक यू बेटा। खुश रहो बड़ी माँ। आज माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि आपको हम सबकी भी उम्र लग जाए। शुभ शुभ बोलो। पर आज आपका पूरा दिन हमारे नाम और हमारे साथ, ना कोई मीटिंग ना कोई ऑफिस, और शुरुआत करेंगे हम ब्रेकफास्ट से। आइए ना बड़ी माँ। इतना सारा खाना, ये हम अकेले कैसे फिनिश कर सकते हैं? ये बात तो सही है, क्या कर सकते हैं, पूरा तो खाना होगा बड़ी माँ। तो सबको इकट्ठा करें। हाँ, सब लोग हैं कहाँ? हैप्पी बर्थडे बड़ी माँ।
हैप्पी बर्थडे बड़ी माँ। हैप्पी बर्थडे बड़ी माँ। खुश रहो। हैप्पी बर्थडे माँ। हैप्पी बर्थडे माँ। खुश रहो। हैप्पी बर्थडे बड़ी माँ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये क्राउन और साश हमारे बर्थडे गर्ल के लिए। तुम सबने हमें छोटी बच्ची समझ रखा है क्या? ये सब लेकिन तुम सबके चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए बन जाते हो बच्ची। चुप पहना हो जो पहनाना है। ये हुई ना बात। बड़ी माँ, वैसे तो मैं आपसे उम्र में काफी छोटी हूँ, पर एक बात बोलूँ, मुझे लगता है कि हम सब इंसानों को ना अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं खोना चाहिए। और देखिए ना, ये क्राउन और सैश पहन के आप कितनी क्यूट लग रही है। एंड बर्थडेज आर सो स्पेशल, राइट? अबाउट फूड, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, है ना? आपको पता है जब मेरा बर्थडे आता था ना, तो मैं एक हफ्ते से पहले ना पूरे घर को सर पे उठा लेती थी। मतलब मेरे फेवरेट जूते, पर्सेस, सारी डिमांड लिस्ट ना सबके हाथ में थमा देती थी और फिर एक एक करके सबसे वसूली करती थी। और मेरा रूम ना एकदम स्पेशल डेकोरेट होता था और वो सिमर ही तो करती थी, इतना सुंदर करती थी। और फिर जब मैं वापस घर पे आती थी ना, तो मैं ऐसे एक्ट करती थी कि वाह, व्हाट अ सरप्राइज, और मैं इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी। मुझे ऐसा लगता है कि विवान, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? अरे बोलो, ऐसा ही लगता है ना कि रीमा साफ साफ तुम्हें हिंट दे रही है कि तुम्हें इसके बर्थडे पर क्या क्या करना है। परफ्यूम, गिफ्ट्स, डेकोरेशन, है ना रीमा? दाई जी, रीमा ने कुछ कहा क्या? रीमा तुमने कुछ कहा? मैंने सुना नहीं है एक्चुअली, यू नो वो। बेटा ध्यान से सुन ले और समझ भी ले, नहीं तो बाद में जो सुनना पड़ेगा ना वो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। हाँ जी हाँ। मारव जी, आज आपकी बड़ी माँ का बर्थडे, विश नहीं करेंगे तो ना आपसे रहा जाएगा ना बड़ी माँ से। प्लीज चलिए। हैप्पी बर्थडे बड़ी माँ। थैंक यू। आप ये बड़ी माँ पहनिए ना प्लीज। हाँ बड़ी माँ, आज बर्थडे, आप बहुत अच्छी लग रही इसमें, रहने दीजिए ना बड़ी माँ। अच्छा बड़ी माँ, एक गेम खेले। गेम? पहले आपको आंखें बंद करनी होगी। मैं एक एक करके डिशेस के लिड उठाऊंगी और आपको गेस करना होगा कि क्या बना है। दिलचस्प गेम है, तो शुरू करें? पहले आंखें बंद। चलो ये चलिए। आराम से
देखना नहीं है माँ? नहीं नहीं, हम कभी चीटिंग नहीं करते गजेंद्र। तो बड़ी माँ अब बताइए पहली डिश कौन सी बनी? आह, ये सुगंध हम कैसे भूल सकते हैं? ये हमारे माँ दुर्गा पीठा की स्पेशल कचौड़ी है। बिल्कुल सही बड़ी माँ। बड़ी माँ अब आप टेस्ट करके बताइए ना, मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की है। बताइए ना बड़ी माँ कैसी बनी है? सच बता दे सिमर, तुमने तो हमसे भी बेहतर बनाया है। जीती रहो। थैंक यू बड़ी माँ। सचमुच अगला? हाँ बड़ी माँ, अब अगले डिश की बारी। पर आपको आके मन? हाँ। No way भाभी। हाँ प्लीज कैन वी खाना हम लोग? बड़ी माँ प्लीज। ओके तो अब खाने पर होगा थैंक यू सिमर, आज बड़ी माँ तुम्हारी वजह से खुश है।